ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आज सुबह से ही बर्फबारी जारी है। इसे देखकर हजारों की संख्या में लेह में जमा पर्यटक रोमांच महसूस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसी बर्फबारी के साथ अब यहां के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र भी बर्फ से ढकना शुरू हो जाएंगे, जो ये अगले 4 महीने ये सिलसिला जारी रहेगा। लेह से देखिए हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा की आज हुई स्नोफॉल पर ये खास रिपोर्ट। ये स्नोफॉल इस वक्त आप देख रहे हैं लद्दाख के लेह में और लेह की सड़कों पर जिस तरह की स्नोफॉल गिर रही है, ये बेशक यहाँ के बासिंदों के लिए आम बात है, लेकिन यहाँ आने वाले पर्यटकों को रोमांचित कर रही है ये स्नोफॉल। लोग कहते हैं सब स्विट्जरलैंड हम यही देखने जाते हैं तो भला हिंदुस्तान में क्यों नहीं। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे स्वेटर के ऊपर भी बर्फ जमा है। लेह के अगर हम बात करें, चारों तरफ पहाड़ियाँ इस वक्त बर्फ से ढकी हुई हैं। आज सुबह से ही रह करके बर्फबारी जारी है और ये बर्फबारी अब लगता है कि जो ये वक्त होता है 4 महीने का लद्दाख का, जिसमें कहा जाता है कि बर्फ से चारों तरफ यहाँ के मैदान पठार और पहाड़ ढके होते हैं, वो शायद इसकी शुरुआत इसे कह सकते हैं। और इसी के साथ जुड़ी दिलचस्प बात और है, इसी वक्त चल रहा है लद्दाख फेस्टिवल भी। मुझे लगता है शायद प्रकृति इसी का स्वागत भी कर रही है। योगेंद्र शर्मा, जनटीवी न्यूज, लेह लद्दाख। सुहागिनों का सबसे बड़ा